नमस्कार मित्रगण, आज मैं आप सबके लिए दिसंबर 2013 में हुए यूजीसी नेट जेआरएफ के संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें कुल 75 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के चार चार विकल्प दिए हुए हैं। जहां संभव है वहां मैं चारों विकल्पों के बारे में आप सबसे चर्चा करूंगा, और जहां नहीं संभव है वहां केवल हम सही उत्तर जानकर आगे चलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, सृष्टित्पत्ति विषयकम विवेचनम वर्तते। सृष्टि के उत्पत्ति विषयक विवेचन कहां पर प्राप्त होता है? ऋग्वेद में वैसे यह विवेचन पुरुषोक्त में भी है, नाशदीय सूक्त में भी है, कुछ हद तक हिरण्यगर्भ में भी मिलता है। मतलब ऐसे कुछ सूक्त हैं जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति विषयक चर्चा मिलती है। तो नाशदीय सूक्त है जिसमें सृष्टि उत्पत्ति विषयक विवेचन मिलता है, जल से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। पुरुष सूक्त के अनुसार एक विराट पुरुष से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो सृष्टि उत्पत्ति विषय एक विवेचन इन सब में मिलता है। अग्नि सूक्त में अग्नि देवता की स्तुति है, इंद्र सूक्त में इंद्र देवता की स्तुति है, और पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी का महत्व, पृथ्वी से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, सब कुछ बताया गया है, पृथ्वी हमारी माता है इत्यादि। सप्ताशासन परिधय स्त्री सप्त समिधा कृताः अस्य मंत्रस्य ऋषिः अस्ति। यह एक मंत्रांश है, सप्ताशासन परिधय स्त्री सप्त समिधा कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं। यह सबसे पहले जाने कि सूक्त का मंत्र है। यह मंत्रांश पुरुष सूक्त का है और उसके ऋषि हैं नारायण। पुरुष सूक्त के ऋषि कौन है? नारायण। तो सभी सूक्तों को, इसके लिए आपको क्या करना है, सभी सूक्तों के ऋषि जरूर ध्यान रखने हैं। जो अपने पाठ्यक्रम में 20-21 सूक्त हैं उन सभी सूक्तों के ऋषि को याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिरण्यगर्भ सूक्तस्य किम छंदः। प्रश्न तीसरा है, हिरण्यगर्भ सूक्त में कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? तो ज्यादातर सूक्तों में यह हमें पता है कि त्रिष्टुप छंद है। सभी सूक्तों के छंदों को भी आपको इसी तरह लिस्ट बनानी है। अगर हमें सूक्तों के बारे में अच्छी तैयारी करनी है तो उन सूक्तों को क्या करना है, उन सूक्तों के ऋषि, उन सूक्तों के मंत्र संख्या, छंद, देवता इत्यादि को अवश्य ध्यान रखना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, अग्निमेले पुरोहितम इत्यत्र अग्निम पदस्य स्वरो भवति। अग्निमेले पुरोहितम ऐसा एक मंत्र है, ऋग्वेद का पहला मंत्र जो कहा जाता है, उसमें अग्निम शब्द में कौन सा स्वर है, अग्निम ऐसे शब्द में कौन से स्वर का प्रयोग किया गया है। अब देखिए यहां चारों विकल्प में कहीं स्वर दिया ही नहीं है, स्वर का चिन्ह ही नहीं दिया है, ये इस पुस्तक की कमी है। पर अगर आप ये 2013 दिसंबर के तृतीय प्रश्न पत्र को पीडीएफ कहीं मिल जाएगा उसमें देखेंगे तो चारों में अलग अलग स्वर दिया होगा। इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको, पर इन्होंने देखिए क्या लगाया है, चौथे में बी लगाया है, यानी ये अग्निम से ही, चारों अग्निम में कोई भेद नहीं है। इसके लिए आपको ऋग्वेद के मूल में, ऋग्वेद का जो मूल है सूक्त पहला, उसमें पहले शब्द को देखना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें कौन सा स्वर है। उसके लिए मैंने आप सबके लिए ऋग्वेद के मूल पाठ को भी यहां लगा लिया है, वहां आप देख सकते हैं अग्निम में कैसी स्वर व्यवस्था है। ये रही, देखिए, अग्निमीले पुरोहितम, ये जो अग्नि सूक्त है पहला सूक्त, उसमें अग्नि में ये देखिए अ जो है यह अनुदात्त है, और ग्नि जो है यह ग्नि में जो ई है वह उदात्त है। पहला अनुदात्त है और अंतिम स्वर कैसा है, उदात्त है। ऐसा वाला विकल्प बी है, वो मूल जो पीडीएफ मिल जाएगा उसमें आप देख सकते हैं इसको। ये अग्निम में यहाँ नीचे चिन्ह लगाना चाहिए था, पर क्या है कि आजकल के आधुनिक कंप्यूटर्स में वैसे उदात अनुदात का चिन्ह लगाने की व्यवस्था बहुत विरलों में ही मिलती है, इसलिए नहीं लगा सका। पर जितने भी सूक्त हैं उन सूक्तों में हमें संभव हो तो हमें स्वर व्यवस्था भी देखनी है। यह वैदिकों के द्वारा ही संभव है और सबके लिए थोड़ा कठिन पड़ सकता है, पर हमें करना चाहिए। अब इसके बाद
अगला प्रश्न है, संविदाना दिवे दिवा कवे श्रियाम मा धेहि भूत्याम। यह मंत्रांश कहाँ पर प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है, यह पृथ्वी सूक्त में मिलता है, अथर्ववेद के 12वें कांड में पृथ्वी सूक्त का यह मंत्रांश है। और फिर छठा प्रश्न है, दर्श पूर्णमास यज्ञ, दर्श शब्द से अर्थ अस्ति। दर्श पूर्णमास यज्ञ होता है, उसमें दर्श शब्द का अर्थ क्या है? तो दर्श शब्द का अर्थ होता है अमावस्या, अमावस्या को दर्श कहा जाता है। अब इसके बाद सातवें प्रश्न में हम जाएंगे। सातवां प्रश्न है, वेद मंत्राणाम त्रिविधा प्राचीनतमा व्याख्या भवति। वेद मंत्रों की जो तीन प्रकार की प्राचीनतम व्याख्या है वो कौन सी है? तो याज्ञिक, वैज्ञानिक और आधिदैविक नहीं। आधिदैविक आ रहा है तो इसका मतलब आधिभौतिक आध्यात्मिक भी आना चाहिए, यही इसका सही उत्तर है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, ये तीन रूप, क्योंकि देखिए आधि वाला इसमें भी आ रहा है, आध्यात्मिक यहाँ भी आध्यात्मिक आ रहा है, सभी जगह आधि वाला आ रहा है। तो तीनों के युग में इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, पर ये जानने का विषय है कि वेद मंत्रों की तीन प्रकार की जो प्राचीनतम व्याख्या पद्धति है वह ऐसी थी, आध्यात्मिक व्याख्या पद्धति थी, आधिभौतिक व्याख्या पद्धति थी और आधिदैविक व्याख्या पद्धति। फिर उसके बाद आठवां प्रश्न है, अधोंकितानाम समीचीनम उत्तरम चिनुत। इसका सही उत्तर हमें चुनना है, तो चारों विकल्पों को सही विकल्प के साथ जोड़ना है। ये के च भ्रातरः स्थनास्मयी, यह कहां पर प्राप्त होता है? और फिर उसके बाद है नास्मयी ज्येष्ठाय कल्पद्धुम, यहां तक है। दूसरा है श्रेयसो वै पापीयान कृतानुकरः वर्त भवति। तो वैसे ये देखिए, यो वा दिवं सत्य धर्मा जजान और ये संग्रामा समितयस्तेषु चारु वदेम। ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत ही कठिन प्रश्न है, क्योंकि चारों विकल्प देखिए, सतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद, अथर्ववेद और ऐतरेय ब्राह्मण, चारों पूरा का पूरा किसको याद हो, ये थोड़ा कठिन है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये के च भ्रातरः स्थनास्मयी, यह ऐतरेय ब्राह्मण का मंत्र है। और ज्येष्ठाय कल्पध्वम, यहां तक का, श्रेयसो वही पापीवान कृतानुकरः वर्त्मा भवति, यह जो दूसरा मंत्रांश है यह शतपथ ब्राह्मण का है। पहला दूसरा ये दोनों ब्राह्मणों का है। और फिर यह है, यो वा दिवं सत्य धर्मा जजान, यह मंत्रांश है ऋग्वेद का। ऋग्वेद का यो वा दिवं सत्य धर्मा जजान प्रायः अग्नि इंद्र सूक्त का यह मंत्र है। फिर यो ये संग्रामा समितयस्तेषु चारु वदेम, यह अथर्ववेद का मंत्र है। यानी द में आएगा तीन, स में आएगा दो, दो तीन यहां ही केवल दिख रहा है, यानी यही चौथा विकल्प सही है, मिला के आप देख लेंगे। तो इसके बाद नौवां प्रश्न है, यो सावसौ पुरुषः सोहमस्मि, यह उक्ति किस उपनिषद में प्राप्त होती है? वायुरनिलम अमृतमथेदम भस्मांतकं शरीरम ओम क्रतो स्मर क्रतं स्मर, ईशोपनिषद में, ईशोपनिषद का 15वां या 16, यहां नीचे लिखा है 16वां मंत्र है। तो यो सावसौ पुरुषः सोहमस्मि, यह कहां पर प्राप्त होता है? अब सभी ज्यादातर प्रश्न उपनिषदों के आएंगे, एक साथ प्रश्न आने लगते हैं एक ही विषय के। तो अब इसके बाद ये प्रश्न आ रहा है, अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माद् लोकाद् अमृता भवन्ति, यह केनोपनिषद का मंत्र है। यह उक्ति कहां पर प्राप्त होती है? केनोपनिषद में। ऐसे सभी उपनिषदों की प्रमुख प्रमुख उक्तियों की आपको सूची बनानी है और उन उक्तियों को ध्यान रखना है, हो सके तो उपनिषदों को पूरा अर्थ सहित पढ़ना है। ज्यादा मंत्र नहीं है ईशोपनिषद, ये जो इसमें 18 ही मंत्र हैं, केनोपनिषद में 33 या 34 मंत्र हैं, केवल इतना ही है, ज्यादा नहीं है। फिर इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मण विद्वान् न विभेति कुतश्चन,
यह मंत्रांश कहाँ पर प्राप्त होता है? यह भी उपनिषद का ही है, एक साथ ही सब उपनिषदों का आ रहा है, तो यह तैतरीय उपनिषद का है। तैतरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली जो दूसरी वल्ली है उसमें मिलता है। इसके बाद अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो नहन्यते हन्यमाने शरीरे, यह भगवद गीता में भी इसी तरह का मंत्र मिलता है, इसी तरह का श्लोक मिलता है। और यह मंत्र, यह जो उक्ति है, यह कठोपनिषद की है। कठोपनिषद यहाँ, कठोपनिषद में ऐसा है, गीता में और कठोपनिषद में केवल इतना ही भेद है। गीता में कहा गया है नवजायते मृयते वा कदाचित, दूसरे अध्याय में, और यहाँ कठोपनिषद में मिलेगा न जायते मृयते वा विपश्चित, कदाचित की जगह पे विपश्चित ऐसा मिलता है, और कोई भेद नहीं है पूरा का पूरा। दूसरी लाइन में भी भेद है, दूसरी लाइन में वहां न जायते मृयते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः कहा गया है, और यहाँ नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, और दो लाइन एक जैसी ही है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे, सेम है। तो इसके बाद अगला प्रश्न ये भी उपनिषद का है, एक साथ चार पांच प्रश्न आ जाते थे, 13वां 14वां ये दोनों प्रश्न जो आ रहे हैं ये दोनों के दोनों उपनिषद से ही हैं। ये ना हम नामृता श्याम किमहम तेन कुर्याम, जिससे मैं अमृत नहीं हो पाऊं उस वस्तु को लेकर मैं क्या करूंगी, ऐसी उक्ति किसने कही है? यहाँ ये बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क और मैत्रेयी का संवाद होता है, उसमें मैत्रेयी याज्ञवल्क से पूछती है, तो याज्ञवल्क बताते हैं, जब याज्ञवल्क के प्रश्न याज्ञवल्क जब उसको बता देते हैं कि इससे तुम अमृत नहीं हो सकती, इससे तुम अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकती, तो कहती है मैं जिससे मैं अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकती उससे मैं क्या करूँगी, कि वह हम तेन कुरिया। और फिर इसके बाद आत्मी वेदमग्र आसीत पुरुष विधा, यह उक्ति कहाँ पर प्राप्त होती है? यह उक्ति प्राप्त होती ही, यह भी बृहदारण्यक उपनिषद का ही है। अब इसमें मैं क्यों बोल रहा हूं बृहदारण्यक उपनिषद का ही है, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद मुझे याद नहीं है, पर बाकी के तीनों उपनिषद मुझे पूरी के पूरी पंक्ति सह कंठस्थ है, बाकी के तीनों में नहीं है, केन में भी नहीं है, कठ में भी नहीं है, तैतरीय में भी नहीं, तो पता है कि बृहदारण्यक में है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, ये तालिका हमें सही बनानी है, कांड संहिता से संबद्ध उपनिषद कौन सा है? भी उपनिषद का ही प्रश्न हो गया समझ लीजिए। कांड संहिता का संबद्ध उपनिषद कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण से संबद्ध उपनिषद कौन सा है? वाजसरवा से संबद्ध कौन है? और याज्ञवल्क से संबद्ध कौन सा है? कांड संहिता से संबद्ध उपनिषद है ईशोपनिषद, मान लीजिए ईशोपनिषद माध्यम दिन संहिता से भी है, कांड संहिता से भी है, पर कांड संहिता भी यजुर्वेद ही है, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद माना जाता है। तो अ में आएगा तीन, अ में तीन आता है, ऐसे दो विकल्प हैं यहाँ, तो हमें बा पर जानना पड़ेगा कि चार है कि एक है। ब शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं, उन 100 अध्यायों में 95, 96, 97, 98, 99 और 100, ये जो 6 अंतिम अध्याय हैं वो 6 अध्याय बृहदारण्यक उपनिषद कहे जाते हैं। तो ब में आएगा एक, यानी 3 और 1 वाला यही विकल्प सही है, फिर भी और आगे हम मिला लेते हैं। तीसरा जो है स वाजस्रवा, वाजस्रवा एक कठोपनिषद में आते हैं, इन्होंने सर्वमेध या विश्वजित नाम का यज्ञ किया था, सर्वमेध और विश्वजित वो दो उसके नाम हैं अलग अलग, वो यज्ञ किया था, उस यज्ञ में उन्होंने सब कुछ दान दे दिया था, उनका पुत्र था नचिकेता। वाजसरवा का पुत्र कौन था? नचिकेता। वाजसरवा का संबंध किससे रहेगा? नचिकेता से। स में आएगा 4, और याज्ञवल्क की पत्नी थी मैत्रेयी, याज्ञवल्क का संबंध है मैत्रेयी से, यह बृहदारण्यक उपनिषद का विषय है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, उष्णिक छंदसि कियन्तो वर्णाः भवन्ति, यह प्रश्न पहले भी आ चुका है, फिर भी हम जान लेते हैं। उष्णिक छंद में गायत्री में 24, उष्णिक में 28, 27 होता है वह निचरित उष्णिक छंद में होता है, मतलब एक कम हो तो निचरित हो जाता है, और 32 होता है यह अनुष्टुप छंद में होता है, और 29 होता है एक ज्यादा हो गया, 28 से एक ज्यादा होता है तो भी उष्णिक छंद ही रहेगा, पर भूरिक उष्णिक कहा जाएगा, एक कम हो तो निचरित, एक ज्यादा हो तो भूरिक।
इसके बाद 17 नंबर का प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न पे हम जाते हैं। तो चातुर्मास यज्ञ वर्तते, चातुर्मास यज्ञ में किसका किसकी गणना होती है इन चारों में से? तो इसका सही उत्तर है सुनासीरियम, ये जो पहला विकल्प है यही चातुर्मास यज्ञ में माना गया है। और सभी देखिए अग्निहोत्र, आग्रयण और श्रोत्रामणि ये सब चातुर्मास्य के अंतर्गत नहीं माने जाते हैं। कुछ प्रतिदिन योग हैं, कुछ याग हैं और कुछ अलग अलग हैं जिनके बारे में मुझे भी ज्ञान नहीं है। फिर इसके बाद याज्ञवल्क शिक्षा केन संबद्धा वर्तते, याज्ञवल्क शिक्षा किससे संबद्ध है? याज्ञवल्क शिक्षा, यह अगर कहीं भी याज्ञवल्क का नाम आता है, ये नाम अगर आपको कहीं दिख जाता है तो आप निस्संदेह कह दीजिए कि वह शुक्ल यजुर्वेद ही है। कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद के परम आचार्य याज्ञवल्क के माने जाते हैं। यह जो शुक्ल, यह जो यजुर्वेद था व्यास ने वैशंपायन को दिया, वैशंपायन के दो शिष्य थे, ये एक थे याज्ञवल्क और एक थे तित्तिरी। याज्ञवल्क को ही शुक्ल यजुर्वेद का उपस्थापक माना जाता है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हुई, तित्तिरी से तैत्तिरीय शाखा चली गई, वह कृष्ण यजुर्वेद हो गया, और याज्ञवल्क से जो उद्भूत हुआ वह शुक्ल यजुर्वेद माध्यंदिन शाखा या वाजसनेयी शाखा। उसमें एक और कहानी भी है कि याज्ञवल्क ने जो वैशंपायन से विद्या ली थी वो विद्या वापस कर दी थी, वमन कर दिया था, और फिर दिन के मध्य में सूर्य से वही विद्या फिर से प्राप्त की। इसलिए माध्यंदिन और वाजसनेयी, सूर्य घोड़े के वेश में आए थे इसलिए वाजसनेयी शाखा भी उसे कहा जाता है। ऋग्वेदीय प्रातिशाख्यानुसारेण रक्त संज्ञक कहा, ऐसा सूत्र ही है रक्त संज्ञोनुनासी कहा, सूत्र ही है। अगर सूत्र ऋग्वेद प्रातिशाख्य का जितना भी विषय है, सभी विषय एकदम संक्षिप्त है, एक एक दो दो सूत्र सभी विषयों के लिए देखना है। रक्त संज्ञो अनुनासिका देख लिया तो अनुनासिक जो वर्ण है वो सभी रक्त कहे जाते हैं, यह हमें पता चल जाएगा। बस इतना ही है विषय, उसमें और ज्यादा नहीं। संयोग किसे कहा जाता है? संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातः, जो पाणिनि जी ने हलो अंतरा संयोग हमें कहा है वही विषय, वही बात वो संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातः सूत्र से कहते हैं। अभी विसर्ग और स्पर्श के बारे में वहां विशेष चर्चा नहीं की। विसर्ग को पंचम उष्मा कहा जाता है और वो रेफी कहा जाता है कभी कभी, रिफित जो पढ़ेंगे हम, और स्पर्श तो है ही वहां, स्पर्श जो पाणिनीय व्याकरण में है वही ऋग्वेद प्रातिशाख्य में भी है। 25 वर्ण। अंतरिक्ष स्थाना देवता अस्ति, अंतरिक्ष स्थान में रहने वाली देवता कौन है? देवता शब्द स्त्रीलिंग में है, इसलिए चाहे उसका अग्नि पुरुष हो, चाहे सूर्य भी पुरुष हो, चाहे इंद्र भी पुरुष हो, अश्विनी भी पुरुष हो, लेकिन देवता शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए हमें ऐसा बोलना। अब देखिए क्या है कि अंतरिक्ष स्थान में रहने वाले इन चारों में से कौन है? तो रुद्र और इंद्र ये दो अंतरिक्ष स्थानीय है, रुद्र इंद्र और वायु ये तीन अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं, और अग्नि सोम और बृहस्पति गुरु, ये तीन, बृहस्पति यानी गुरु ही होते हैं, ये तीन हैं पृथ्वी स्थानीय, और अवशिष्ट जितने भी देवता बचे उषा सविता विष्णु वरुण अश्विनी कुमार इत्यादि वो सभी द्विस्थानीय हैं। इसके बाद समुचितम संबंधम प्रस्थापयत, इसमें समुचित संबंध हमें प्रस्थापित करना है। सत्व प्रधानानि कानि भवन्ति, सत्व प्रधान कौन सा है? नाम, सत्व प्रधानानि नामानि, ये भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि कहा गया है। तो सत्व प्रधान किसमें होता है? नाम में। पहले में क्या आएगा? तीन, वो केवल एक ही विकल्प में आ रहा है, इससे ही आप पकड़ सकते हैं यही इसका उत्तर सही है, पर आगे भी हम मिला लेते हैं। निगमा इमे भवंती, निगम कौन के होते हैं? निघंटु, निघंटुओं को निगमा इमे भवंती कहा है निरुक्त में। फिर इसके बाद संविज्ञातानितानि, वो सब जे ज्ञात हो गए हैं अच्छी तरह से, जैसे पाचकः पंक्तिः इत्यादि। और तद्यत्र उभे भाव प्रधाने भवतः, निरुक्त के ही एक एक वाक्य है, चारों वाक्य हैं निरुक्त के, आधा वाक्य इधर रख दिया आधा वाक्य उधर रख दिया। उभे यहाँ द्विवचन है तो यहाँ भवतः, यहाँ क्रियापद आ रहा है उससे भी पकड़ सकते हैं। और फिर आचार्यश्चिदिदं ब्रूयात, यहाँ जो चित्त निपात है, आचार्य चित्त इदं ब्रूयात, यह जो चित्त निपात है वह चित्त निपात किस अर्थ में है?
देखिए इव न चेतनु, ये चार निपात ज्यादातर जगह उपमा अर्थ में होते हैं पर और अर्थों में भी होते हैं। यहाँ आचार्य चित्त, यहाँ जो चित्त है आचार्य है ना, आचार्य शब्द के साथ है तो आचार्य की क्या करनी चाहिए, हमें पूजा करनी चाहिए। यहाँ जो चित्त है वह पूजा अर्थ में, कैसे अर्थ में है, पूजार्थक निपात है यहाँ चित्त। फिर इसके बाद हस्तः इत्यत्र कहा धातु स्वीक्रियते। देखिए हस्त शब्द की व्युत्पत्ति के समय निरुक्त में कौन सी धातु का स्वीकार किया गया है, हन धातु। हन धातु से हस्त शब्द बनाते हैं निरुक्त में, पहले ही अध्याय में मिलेगा ये सब। और इसके बाद 24वां प्रश्न है स्थूला चाशौ प्रसति इति स्थूल प्रसति। स्थूल जो है और प्रसति भी है, ऐसी स्थूल प्रसति अगर कहेंगे तो कौन सा स्वर व्यवस्था हमें स्वीकार करना है। अथ समासांतोदात्तत्वं ततस्तत्पुरुष इति, ऐसा वहां पर आपको वाक्य मिलेगा महाभाष्य में। जो रक्षा रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम कहा गया, उस प्रयोजन का निरूपण करते समय जब असंदेह प्रयोजन में आते हैं, संदेह न हो, स्थूल प्रसतिम अग्निवारुणीम स्थूल प्रसतिम अग्निवारुणीम आनड्वाही मालभेत, एक शब्द और भी है, तो आनड्वाही को लाना है। कैसी आनड्वाही, स्थूल प्रसति जो हो, स्थूल प्रसति में संदेह हो जाता है कि स्थूलानि प्रसन्ति यस्याः सेयम् स्थूल प्रसति, ऐसा बोलना है, या फिर स्थूला चासु प्रसति इति स्थूल प्रसति, ऐसा बोलना है, तो आप कैसा मानेंगे। दोनों में स्वर व्यवस्था अलग है। अगर पूर्व पद प्रकृति स्वर है तो वह बहुव्रीही वाला होगा, बहुव्रीही वाली स्थूलानि प्रसन्ति यस्याः। उत्तर पद प्रकृति स्वर समासांता अनुदात तत्व, ये तो है ही नहीं, वहां उन दोनों की चर्चा ही नहीं है, पहले और चौथे की चर्चा है। ये बहुव्रीही समास वाला है, स्थूलानि प्रसन्ति यस्याः सेयम् स्थूल प्रसति, और यह स्थूला चासु प्रसति, ये तत्पुरुष वाला, यानी तत्पुरुष का भेद कर्मधारय वाला है। अगर कहीं भी समास का अंतिम स्वर उदात्त है तो वह निस्संदेह तत्पुरुष समास ही है, ऐसा व्याकरण की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था व्याकरण में बताई गई। अथ गौरित्यत्र का शब्द, अब गौ में कौन सा शब्द है, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, महाभाष्य के पसपसानी का भी यह भी प्रश्न है। सासनालांगूल ककुदखुर विषाण्यर्थ रूपम सशब्द, नहीं ये शब्द नहीं है नेत्याह, इसका तो निषेध ही कर देते। और इंगितम चेष्टितम निमिषितम इति सशब्द, ये भी कहते हैं ये भी शब्द नहीं है, ये तो क्रिया है। और भिन्नेश्व भिन्नम छिन्नेश्व छिन्नम सामान्य भूतम सशब्द, ये क्या है, ये तो द्रव्य है, ये क्रिया है, ये क्या है, ये आकृति है, ये तीनों शब्द नहीं है। तो फिर कस्तर ही शब्द जब पूछते हैं तो उसका उत्तर यही बताए हैं, येनोच्चारितेन सासना लांगूल ककुद खुर विषाणिनाम संप्रत्ययो भवति स शब्द। तो इसका सही उत्तर यही होगा, जिसके उच्चारण मात्र से सासना लांगूल ककुद खुर विषाणि का संप्रत्यय समान रूप में एक प्रतीति हो जाती है, वह शब्द है। इसके बाद भूलिट, लिट में से बचेगा ल, ल के स्थान पे तिप्तस जी सूत्र से होगा तिप, तिप के स्थान पे अणल हो जाएगा, परस्मै पदानाम णल तुसुस्थ अल थुसण अल्वमा, अणल में से चुटू से ण की संज्ञा, ल की हलंतम से संज्ञा, बचेगा केवल अ, यानी लिट रहेगा, लिट का केवल अंत में बचेगा अ, भू अ ऐसी स्थिति हो जाएगी। तब अब क्या कार्य करना चाहिए, ऐसी स्थिति में क्या कार्य करना चाहिए, इको यणची से यण कर देना चाहिए। देखिए ज्यादातर लोग जो संधि सामान्य पढ़े हैं उनको यही लगेगा कि यहाँ ऊ है यहाँ अ है, इको यणची से अण कर देना चाहिए, यण कर देना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। होता क्या है वास्तविक रूप में, लिट धातु रण अभ्यास से द्वित्व कर दें, या लिट लकार का प्रत्यय है तो द्वित्व भी कर सकते हैं, पर नहीं, अभी लिट नहीं करना है, लिट धातु रण अभ्यास से द्वित्व नहीं करना है। उससे पहले एक कार्य है, अगर प्रत्यय अजादी हो, यानी प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो, तो इको यणची से जो यण प्राप्त है उसका निषेध हो जाता है, और भूवो वग्लिंग लिटो सूत्र से
वुक का आगम होता है। मैंने लिट लकार की प्रक्रिया भू धातु की पूरी बताई है, उसका वीडियो अवेलेबल है, वो आप चैनल पे जाके एक प्लेलिस्ट है लकार प्रक्रिया करके, उसमें देख सकते हैं। तो वो वुग लिंग लिटो सूत्र क्या कहता है, अगर भू धातु लुंग लकार अथवा लिट लकार में हो, उसके तुरंत बाद कोई अजादी प्रत्यय हो, यानी प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो, तो क्या होता है, वुक का आगम होता है। वुक का आगम कित होता है, इसलिए भू के तुरंत बाद में बैठता है, तो भू वुक ऐसी स्थिति आती है, भू वुक अ, वुक में से वह बचता है भू अ, बभू फिर बाद में बनता है। स्नात्यनेन अथवा स्नात्यनेन, स्नाति अनेन इति स्नानीयम चूर्णम, यहां पर स्ना धातु से स्नानीयम चूर्णम, इस जगह पे अनियर प्रत्यय लगा है स्नानीयम में, स्ना धातु से जो अनियर प्रत्यय लगा वह किस अर्थ में है। तो कृत्य लिटो बहुलम सूत्र आप पढ़ेंगे, उसमें यह उदाहरण पहला उदाहरण मिलेगा, दीयते अस्मैति दानीयो विप्रह, ये दूसरा उदाहरण मिलेगा, यह करण अर्थ का उदाहरण है, करण अर्थ में अनियर प्रत्यय और संप्रदान अर्थ में अनियर प्रत्यय का उदाहरण है दानीय विप्रह। इसके बाद अगला एक वार्तिक आ रहा है, वह वार्तिक की क्या कहता है, एक मतलब ये व्याकरण का ही है, चतुरक्षयता वाद्यक्षर लोपश्च इत्यस्य क्या की उदाहरण। ये पहले वार्तिक क्या कहता है मैं बता देता हूं, चतुर एक शब्द है, चतुर शब्द के बाद छ प्रत्यय अथवा यत प्रत्यय होते हैं, चतुर शब्द के बाद कौन से प्रत्यय होते हैं, छ अथवा यत प्रत्यय होते हैं, और चतुर के छ यतौ संधि विक्षेद करेंगे तो चतुरः छ यतौ आद्यक्षर लोपश्च, और चतुर शब्द के आदि अक्षर का लोप भी हो जाता, तो चतुर के शब्द का आदि अक्षर क्या है च, उसका लोप भी हो जाएगा, केवल क्या बचेगा तुर, और छ प्रत्यय करेंगे तो छ के जगह पे क्या हो जाता है आयनेयिनी, यह फड़खछघाम प्रत्यय आदि नाम से ईय हो जाता है, छ के जगह पे क्या हो जाता है ईय, तो क्या बन जाएगा तुरीय, चतुर का तुर बचा है और छ का ई है तो तुरीय बचता है, अगर यत प्रत्यय होता तुर्य बनता, छ प्रत्यय तो तुरीय और छ यत तो तुर्य, इसका अर्थ क्या होता है चतुर्थ, चतुर्थ यह अर्थ है, पर तुरीय अथवा तुर्य यह प्रयोग हो सकता है चतुर्थ अर्थ में, तुरीय अवस्था यानी चतुर्थावस्था कहते हैं ना, वही तुरीय है। तो इसका उदाहरण क्या है, यह सही उत्तर है तुरीय। इसके बाद मैं बहुत विस्तार से चल रहा हूँ क्योंकि मेरा यह लक्ष्य है कि सभी का उत्तर ही आप सबको जानना नहीं, उस प्रश्न के बारे में थोड़ा आपको जानकारी हो जाए, समझ जाए, आप उस प्रश्न को फिर अगर दोबारा वह प्रश्न आवृत्त होता है, उससे संबद्ध कोई प्रश्न आवृत्त होता है तो उसको आप सही कर पाए, यह मेरा लक्ष्य है। पच धातु के बाद शप प्रत्यय हुआ, शप यह विकरण प्रत्यय है, और क्षत्रि, क्षत्रि है शित होने के कारण ही क्षत्रि होता है, शप में से क्या बचता है अ, पच अ और क्षत्रि में क्या बचता है अत, पच अ अत जोड़ेंगे पचत हो जाता है। अब देखेंगे ये अ है, शप में से श की लशक को तद्दिते से प की हलंतिम से इत संज्ञा होगी, केवल बचता है अ, क्षत्रि में भी श की लशक को तद्दिते से रि की उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा होती है, बचता है अत। अब यह जो देखिए यहां ध्यान से देखेंगे तो रि की इत संज्ञा हो गई, किसकी रि की, रे की कहीं भी संज्ञा हो, ऊ की रे की या ले की कहीं भी संज्ञा हुई हो तो जो प्रातिपदिक बना है या पचत प्रातिपदिक बना है यहाँ रे की संज्ञा होने के बाद बना है, यह कैसा हो जाएगा, ऊ रे ले इन तीनों वर्णों की कहीं भी संज्ञा हुई हो तो वह उगित बन जाता है और उगितश्च सूत्र से ङीप हो जाता है, उगित है तो उगितश्च सूत्र से ङीप होता है। यह सूत्र बहुत प्रारंभिक सूत्र है स्त्री प्रत्यय का, इसलिए यह प्रश्न सरल हो सकता है आप सबके लिए। उगित और आगे के विकल्प जो है ना वो थोड़ा गलत है, पचती रूप, पचंती रूप बनता है, शप्शन और नित्यम से नुम आगम भी हो जाता है, पचंती बनता है गीप होने के बाद, और उगित से गीस होता ही नहीं तो ये तो गलत ही है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अजाद्यतः टाप से टाप होता तो पचता बनता, पचता तो रूप हमको दिखता नहीं है, तृतीय एक वचन में भले पचता दिखता है, ऋण्यभ्योंगीप से गीप होता, तो ऋण्यभ्योंगीप कब गीप करता है, अगर धातु ऋकारांत हो, प्रातिपदिक ऋकारांत हो अथवा नकारांत हो तो यह ना तो ऋकारांत है ना नकारांत है, इसलिए ये सभी विकल्प गलत हो जाएंगे, सही क्या है उगितश्च सूत्र से गीप होगा। इसके बाद पाणिनीय शिक्षानुसारम वर्णानाम उच्चारण स्थानानि कति सन्ति,
पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं? तो इसका सही उत्तर है, पाणिनीय शिक्षा का आप 12वें के आसपास, मतलब 10 के बाद ही नीचे लिखा है 16, ये 13 नंबर श्लोक आपको देखना है। अष्टौ स्थानानि वर्णानां उरह कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च, ऐसा कहा है। 8 वर्णों के उच्चारण स्थान है, कौन कौन से? उर, कंठ, शिर, फिर जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ये 8 वर्णों के उच्चारण स्थान है। शतम वर्गस्य कति शाखाः सन्ति, शतम वर्ग की कितनी शाखाएं हैं? अब इस यह जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा 4 शाखाएं। जब भाषा विज्ञान पढ़ेंगे आप, उसमें भारोपीय भाषा परिवार के 2 विभाजन किए गए, शतम वर्ग और केंटुम वर्ग। शतम वर्ग की 4 शाखाएं, वो चारों को देखना है आपको। फिर सुदर्शन तटाकस्य निर्माता कहा, सुदर्शन तड़ाग है, गिरनार शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। जूनागढ़ में ये तालाब है, जो जाए वहां जूनागढ़ में देख भी सकता है, सुदर्शन तालाब है। उसका निर्माता कौन है? चक्रपालित, सुविशाख या तुषाश्क या पुष्यगुप्त? अगर इसका आप सही जानते हैं उत्तर, तो इसका सही उत्तर है पुष्यगुप्त ने सुदर्शन तड़ाग को बनवाया था, निर्माता यही था। तो सुदर्शन तड़ाग के निर्माता कौन है? पुष्यगुप्त। यह प्रायः सभी शिलालेखों में के मिलता है, मतलब गिरनार में कई शिलालेख हैं, कई में मिलता है इसका, इसके बारे में लेख मिलता है कई में, सुदर्शन तड़ाग के बारे में। किसी ने उसका पुनरुद्धार कराया तो भी लिख दिया है, किसी ने बनवाया तो भी लिखा। सांख्यानुसारम कैवल्यम भवति, सांख्य के अनुसार कैवल्य किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है, सांख्य के अनुसार कैवल्य होता है आत्यंतिक दुख शून्यत्वम, दुख से अत्यंत शून्य हो जाए वह कैवल्य है। लेकिन थोड़ा ये क्या कहते हैं, और सभी विकल्प जो है ना, और सभी विकल्प इससे संबद्ध ही नहीं। ज्ञान ही का स्वरूपत्वम, ज्ञान में एकमात्र जो ज्ञान स्वरूप हो जाए वो मोक्ष कहलाता है, ये तो ऐसे नहीं, वहां ऐसा बताया नहीं गया है। ज्ञान से मोक्ष होता है, लेकिन ज्ञान ही मोक्ष होता है ऐसा नहीं कहा गया। ज्ञान रूपी उपकारापकार शक्त्याहित्यम, शक्तिराहित्यम, शक्त्याहित्यम यहाँ कहा है, शक्तिराहित्यम होना चाहिए। तो उपकार अपकार शक्ति रहित्य हो जाना, ये भी मोक्ष नहीं कहा गया है। इच्छा द्वेष प्रयत्नादि शून्यत्वम, ये भी मोक्ष के स्वरूप के बारे में नहीं कहा गया है। तीनों कहीं वैसे बहुत कम जगह इसके इस तरह का मोक्ष वर्णित है, पर यह आत्यंतिक दुख दुखात्यंतोच्छेदः न्यायिकों ने भी कहा है, वैशेषिकों के अनुसार भी कुछ ऐसा ही मोक्ष है, और ये सांख्यों के अनुसार एकांतिक आत्यंतिक दोनों प्रकार के दुख का शून्य हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। पर यहाँ केवल विकल्प में एक आत्यंतिक ही दिख रहा है, फिर भी इसे सही हम मान सकते हैं। पर वो ऐसे वास्तविक रूप में वेदांत सांख्यों के अनुसार मोक्ष क्या है? एकांतिक आत्यंतिक दुख शून्यत्व, एकांत जो तीनों प्रकार के दुख हैं, आज भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक, इन तीनों प्रकार के दुखों का एकांतिक और आत्यंतिक दोनों प्रकार से शून्यता हो जाना ही। एकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति, 68 नंबर कारिका में यही बताया गया। फिर इसके बाद आदि भौतिक दुखम सांख्यमतेन उदाह्रियते, आधिभौतिक दुख सांख्य के मत में कैसा उदाहरित किया गया है, कैसा आधिभौतिक दुख होता है? तो ज्वराति सारात उत्पन्नम दुखम, ज्वर अतिसार से उत्पन्न दुख यह तो आधिभौतिक नहीं है, आध्यात्मिक दुख है। स्वजन वियोग प्रियजन संयोग जन्यम दुख, स्वजन वियोग हो जाए और अप्रियजन का संयोग हो जाए, इससे जो दुख उत्पन्न होता है ये भी दुख वैसा दुख रही है। हाँ, सर्पादि समुद्भवम, भूत, भूत क्या है? भूत मतलब प्राणी, प्राणियों से, किसी प्राणी से उत्पन्न हुआ है दुख, तो वह आधिभौतिक दुख माना जाता है। सर्पादि समुद्भवम दुखम आधिभौतिकम दुखम, भूत प्रेत, ये भूत भूत में नहीं आते हैं इसलिए इसको नहीं जानना है, वह भौतिक नहीं है, उनका शरीर है भौतिक ही शरीर है, लेकिन भूत प्रेत आदि वसा जायमानम दुखम ऐसा वहां वर्णन सांख्यकारिका में नहीं मिलता। फिर इसके बाद भौतिक सर्गः कतिविधो भवति,
भौतिक सर्ग कितने प्रकार का होता है? इसके लिए आप सांख्य कारिका में 53 या 54 नंबर की कारिका है, अष्ट विकल्पो दैवस्तैर्यज्ञोनश्च पंचधा भवति मानुषश्चैक विधः समासतो भौतिकः सर्गः। दैव सर्ग 8 प्रकार का, तैर्यज्ञोन सर्ग 5 प्रकार का और मानुष सर्ग 1 प्रकार का, ये कुल मिला के भौतिक सर्ग होते हैं। तो 8, 5, 13, 1, 14 14 प्रकार के होते हैं मानुष ये भौतिक सर्ग। उसमें 8 दैव, 5 तैर्यज्ञोन और 1 मानुष। फिर इसके बाद स्थूल प्रपंचोत्पत्ति ही केभ्यः संभवति, स्थूल प्रपंचों की उत्पत्ति किससे होती है? तो इसका सही उत्तर क्या है? स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति होती है पंचीकृत पंचभूतेभ्यः। पांच भूत जो पंचीकृत हो जाते हैं, वेदांत सार का प्रश्न है, पांच भूत अगर पंचीकृत होते हैं उनसे स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति होती है। पंचीकृतेभ्यः पंचभूतेभ्यः स्थूल प्रपंची प्रपंच उत्पत्ति। अपंचीकृत रहते हैं तो वो सूक्ष्म प्रपंच में ही रहते हैं, अपंचीकृत। ईश्वर इत्यादि से ऐसा कुछ वर्णन नहीं, मानव शरीर से स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति होती है ऐसा भी नहीं, केवल मानव शरीर से नहीं होता है, मानव शरीर से भी होता है पर केवल मानव शरीर से नहीं। ये इसका वास्तविक उत्तर है। वेदांत सारे प्रयोजनम निरूपितम, वेदांत सार में प्रयोजन कैसा बताया गया, वेदांत सार का प्रयोजन कैसा, दुख निवृत्ति ये प्रयोजन नहीं दिखाया गया है, अभ्युदय लाभ ये भी नहीं कहा गया है, हाँ अज्ञान निवृत्ति कहा गया है। वेदांत सार के पढ़ने से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, ब्रह्म रूपी का जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति होती है और अपने स्वरूप के आनंद की प्राप्ति होती है, यही इसका वेदांत सार का प्रयोजन है। पांडित्य पाना ही वेदांत सार पढ़ने के लिए नहीं है कि आप पढ़ लिए तो पंडित बन गए, ऐसा नहीं, इसके लिए वेदांत सार नहीं लिखा गया है, ये भी गलत। शाब्दी भावना निरूपिता भवति, शाब्दी भावना का निरूपण किससे होता है? जैसे देखिए किसी भी शब्द में दो अंश होते हैं, प्रकृति और प्रत्यय। तो उसमें कौन से अंश से शाब्दी भावना का निरूपण होता है? तो इसका सही उत्तर है लिंगत। देखिए ऐसा है, यजेत इत्यत्र अंशद्वयम्, यज धातुः तप प्रत्ययश्च। तप प्रत्यय में भी दो अंश है, जता प्रत्यय में दो अंश है, एक क्या है आख्यातत्व है, तप प्रत्यय में ता आख्यात है प्रत्यय, इसलिए आख्यातत्व है और उसके साथ साथ लिंगकार का है तो लिंगत्व भी, लिंगत्व लिंगत्व है होना चाहिए, लिंगत्व नहीं होना चाहिए, ये गलत है, लिंगत्व होना चाहिए। अब फिर इसके बाद यही इसका सही उत्तर है, लिंग तो अंश से यानी लिंग लकार है, उस अंश से ही शाब्दी भावना का निरूपण होता है। इसके बाद अर्थ संग्रह अनुसृत्य यागो नाम, अर्थ संग्रह के अनुसार आप देखेंगे तो याग किसे कहा जाता है? तो पहला ही इसका विकल्प सही है, किसी देवता को उद्देश्य मानकर किसी द्रव्य का त्याग करना, देवतोद्देशेन द्रव्य त्यागः यागः, द्रव्य का त्याग किया मतलब छोड़ देना, ऐसे ही नहीं, किसी देवता को उद्दिष्ट करके किसी देवता के लिए द्रव्य का त्याग करना ही याग कहलाता है अर्थ संग्रह के अनुसार। फिर इसके बाद आगे जो विकल्प दिए होंगे इसमें प्रक्षेप द्रव्य को फेंक देना, ऐसा नहीं, फेंकते थोड़े ना यज्ञ करते समय, और स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्वापादनम, यह तो संप्रदान का स्वरूप बता रहे हैं, मंत्र पठन याग नहीं, मंत्र पढ़ना ही याग नहीं, वो तो पाठ है। फिर इसके बाद परिसंख्या विधेह दोषा के, अब इसमें परिसंख्या विधि के तीन परिसंख्या त्रिदूषणा ऐसा एक श्लोक मिलता है। अब परिसंख्या के तीनों दोष कौन कौन से हैं? श्रुत हानि, अश्रुत प्रकल्पन और प्राप्तवाद। श्रुतार्थस्यानव ऐसा कुछ एक श्लोक मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, श्रुतार्थस्यानवच्छेदाद्रुतार्थ प्रकल्पनम प्राप्तस्य बाध इत्येवं परिसंख्यात त्रिदूषणा, पहला पंक्ति थोड़ा लगता है गड़बड़ हो रहा है पर शायद ऐसा है, अश्रुतार्थ प्रकल्पनम प्राप्तस्य बाध इत्येवं परिसंख्यात त्रिदूषणा, इतना तो पक्का ही, पर शायद वैसा ही श्रुतार्थस्यानवच्छेदात, श्रुत अर्थ का अनवच्छेद हो जाए यानी हानि हो जाए और अश्रुत अर्थ का प्रकल्पना हो जाए, जो सुना है
वह अर्थ हानि हो जाए, वह अर्थ समाप्त हो जाए, और जो नहीं सुना है ऐसे अर्थ की कल्पना हो जाए, और जो प्राप्त है उसका बाध भी हो जाए, तो ये परिसंख्या विधि में तीन दोष आ सकते हैं। इसके बाद कस्य कथा रामायण आश्रिता नास्ति, किसकी कथा रामायण पर आश्रित नहीं है। महावीर चरित की है, बिल्कुल भवभूति की रचना है। इसमें महावीर के रूप में राम को स्थापित किया गया, राम ही महावीर हैं, उनकी पूरे चरित्र को बताया गया है। अभिषेक नाटक भी भास की रचना है और रामायण आश्रित रचना है। उत्तर रामचरित यह भी भवभूति की कृति है और राम के उत्तर चरित पर आश्रित है। मृच्छकटिक रामायण आश्रित नहीं है। मृच्छकटिक प्रकरण है और प्रकरण में कैसी कथा होती है, भवेत प्रकरणे वृत्तम लौकिकम कवि कल्पितम। प्रकरण में कहानी कैसी होती है, लौकिक कहानी होती है या फिर कवि कल्पित कहानी होती है। तो मृच्छकटिक में जो कथा है वह लौकिक है, लौकिक होने के साथ साथ कवि कल्पित है। 42 नंबर प्रश्न है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, यह गीता के किस अध्याय में है। तो अगर आपको गीता याद है तभी इस तरह के प्रश्नों का वो सही कर सकते हैं, पर इसका सही उत्तर है तीसरा अध्याय। गीता वैसे अपने पाठ्यक्रम में अंतर्भूत अभी वर्तमान में नहीं है, पर कभी कभी इसका प्रश्न पूछते थे, अभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि महाभारत के अंतर्गत आते ही है इसलिए। अब स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, इसका पूर्व पंक्ति है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनिष्ठितात्। ये अपने धर्म में मर जाना, अपने धर्म का पालन करते, बहुत अच्छी अच्छा वाक्य है, अपने धर्म का पालन करते करते मर जाना भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन करते समय अगर आप जीवित रहें वो भयानक है, भयावह है। ये उन सभी लोगों के लिए सबक है जो धर्मांतरण कर लेते हैं डर के मारे। तीसरे अध्याय में यहां लिखा है 3.35 से, तीसरे अध्याय का मंत्र है, तीसरे अध्याय का श्लोक है, रामायणे सबरी वृत्तांतः कस्मिन कांडे अस्ति। इसके लिए आपको क्या करना है, रामायण और महाभारत, ये अगला प्रश्न महाभारत का है, रामायण और महाभारत दोनों का कांड, रामायण में जो 7 या 8 कांड हैं, कुछ लोगों के अनुसार 7, कुछ के अनुसार 8, जो 7 या 8 कांड है, सभी कांडों के विषय वस्तु को देखना है, अनुक्रमणिका जरूर देखना है। अगर आप अनुक्रमणिका देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अयोध्या कांड की कथा राम के राज्याभिषेक होने जा रहा था, जब सीता का विवाह करके वापस अयोध्या आ जाते हैं तब से शुरू होता है अयोध्या कांड की कथा, और जब भरत राम के यहाँ से जाकर चित्रकूट में मिलते हैं और चरण पादुका लेके आते हैं तब तक की कथा उसमें है, तो उसमें शबरी का वृत्तांत नहीं आता। अरण्य कांड में है, जब राम भरत लौट आते हैं वहां से ही शुरू होता है अरण्य कांड, राम और दूसरे जंगल में, गहरे जंगल में, गंभीर जंगल में चले जाते हैं, वहां से सीता का हरण और पंपा सरोवर तक पहुंचते हैं राम, किष्किंधा में पहुंचने वाले रहते हैं, पंपा सरोवर तक पहुंचते हैं, हनुमान जी मिलने ही वाले रहते हैं आके गुप्त रूप में, तब तक की घटना अरण्य कांड में है। तो उससे पहले ही, पंपा सरोवर पहुंचने से पहले ही वो शबरी से मिलते हैं, इसलिए शबरी का वृत्तांत अरण्य कांड में मिलता है। अरण्य और किष्किंधा में कन्फ्यूज हो सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है सुग्रीव से मिलते हैं वहाँ, जो हनुमान जी से मिलते हैं वहाँ से किष्किंधा कांड शुरू होता है, आसपास से वहीं। और हनुमान जी जब ततो रावण नीताया सीताया शत्रुकर्षण ईयेश पद मन्वेष्टुम चारणाचरिते पथि, यहाँ से सुंदरकांड शुरू होता है। रावण के द्वारा जो ले जाई गई सीता है वो ऐसी सीता को खोजने के लिए जब वानर लोग निकलते हैं, समुद्र के पास पहुंचते हैं, वहां से शुरू होता है सुंदरकांड। इसके बाद महाभारते नलोपाख्यानम कस्विन पर्वणि अस्ति, महाभारत में नलोपाख्यान किस पर्व में है, तो यह भी देखिए। आदि अगर आपको महाभारत की अनुक्रमणिका तैयार है तो ऐसे प्रश्नों को आप सरलता से कह सकते हैं। नल का उपाख्यान वन पर्व में, शकुंतला का उपाख्यान आदि पर्व में है, नल का उपाख्यान नल दमयंती का वन पर्व में। फिर इसके बाद तीर्थानाम सविस्तरम वर्णनम उपलभ्यते, तीर्थों का सविस्तार वर्णन
कहाँ पर प्राप्त होता है, मत्स्य पुराण में कि वायु पुराण में कि स्कंद पुराण में या शिव पुराण में। इसका उत्तर सही है तीसरा सी, स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में कुछ तीर्थों का खंड ही है, जैसे काशी खंड है, उसमें काशी के आसपास के सभी तीर्थों की वर्णन का वर्णन है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी लीलाएं हुई। स्कंद पुराण की यह विशेषता है कि यह सबसे बड़ा पुराण है और इसमें कुछ खंड, एक प्रभास खंड है जिसमें प्रभास यानी गुजरात के आसपास, सोमनाथ द्वारका के आसपास जितने भी तीर्थ हैं उनका वर्णन मिल जाता है। रेवा खंड है, मध्य प्रदेश के रेवा के आसपास के तीर्थों का वर्णन उसमें मिल जाता है, यहाँ ऐसी घटनाएं हुई, ऐसे ऐसे लोग उत्पन्न हुए, तो ऐसे मतलब तीर्थों का वर्णन वो स्कंद पुराण में मिलता है। रास पंचाध्यायी कुत्र वर्तते, रास पंचाध्यायी कहाँ पर प्राप्त होती है। इसका सही उत्तर है सी, श्रीमद् भागवत महापुराण में। श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंध में भगवान जब चाहते हैं कि वो शरद पूर्णिमा के दिन कि अब चलो एक रास खेलते हैं, उस समय वहां से 5 अध्याय शुरू होता, बहुत गंभीर विषय है, दार्शनिक विषय भी उसको कहते हैं कुछ लोग, साहित्यिक विषय भी, सब कुछ सब रस उसमें समाहित है। 30 अध्याय के आसपास पड़ता है, 30वें के आसपास, मुझे एकदम अभी वर्तमान में याद नहीं है कौन कौन सा अध्याय, पर 30 के आसपास 5 अध्याय हैं वो रास पंचाध्यायी माने जाते हैं। महाभारते शिशुपाल वध वृत्तांतः कस्मिन् पर्वणि वर्तते, महाभारत में शिशुपाल वध का वृत्तांत किस पर्व में मिलता है। सभा पर्व का यह विषय है, और एक चीज इसी प्रश्न के साथ साथ आप और भी जान जाइए, शिशुपाल वध महाकाव्य भी है, एक है माघ की रचना, वह कहां से ली गई है, महाभारत के सभा पर्व से ही ली गई। सभा में मतलब अभी युधिष्ठिर एक राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, वहीं या राजसूय यज्ञ में जाना है या फिर शिशुपाल को वहीं मारने। कौटिल्येन यो गूढ़ पुरुषेषु न निर्दिष्टः सः, गूढ़ पुरुष मतलब क्या होते हैं, गुप्तचर। गुप्तचर कई प्रकार के बताए हैं कौटिल्य ने, उदास्थित होता है, तापसिक होता है, कापटिक होता है, ऐसे सब कुछ गूढ़ पुरुष होते हैं, मतलब जो गुप्तचर कुछ तपस्वी के वेश में रहते घूमते रहते हैं, कुछ कपट वेश में बदलते रहते हैं, मतलब ऐसे गुप्तचर के कई प्रकार बताए हैं वो, क्योंकि पकड़े ना जाए, अलग अलग वेश में ऐसे रहते हैं। तो वो गूढ़ पुरुष वही गुप्तचर होते हैं, वो कौन है, किसका कौन सा निर्दिष्ट नहीं है इसमें से, तो इसका सही उत्तर है कार्मिक। रसद के बारे में भी बताया गया है, रसद गुप्तचर क्या होता था, रस दे देता था, रस देता था, मतलब शायद ऐसा होता है कि शायद ये जहर ही दे देता था, ऐसा भी हो सकता है, अभी मैं भूला हूं पर ये देख लीजिएगा, शायद विष किसी में मिला के दे देता था, ऐसा हो सकता। शुल्क मादाय यो विवाह क्रियते सह कः, आजकल यही विवाह सभी जगह हो रहा है, दहेज प्रथा। इस विवाह को कौन सा विवाह कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कहा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आसुर विवाह कहा गया है। अगर आसुर शुल्क मादाय, आसुर विवाह कब होता है, अगर शुल्क लेके विवाह किया जाए तो वह विवाह आसुर विवाह है, इसलिए ऐसा विवाह आजकल समाज में नहीं होना चाहिए। अगर ये पढ़ें तो पता चले 4 प्रकार के विवाह ज्यादा ठीक हैं, उनमें से ये विवाह थोड़ा श्रेष्ठ नहीं है। इसके बाद का प्रश्न है 50 नंबर, मनुस्मृति अनुसारम पितृणाम रात्रिर्भवति, मनुस्मृति के अनुसार पितरों की रात्रि क्या होती। तो यह एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है, 9 प्रकार के कालमान बताए गए हैं, वहाँ पितरों की रात्रि और पितरों का दिन, हमारा जो 15 दिन होता है वो उनका एक रात्रि होती है, हमारा मतलब उनका एक दिन हमारा 30 दिन होता है, तो एक महीना उनका एक दिन होता है, यानी आधा महीना, यानी एक पक्ष उनका दिन, एक पक्ष उनकी रात्रि, तो कुल मिला के 1 महीना हो जाता है। तो कौन सा पक्ष, यानी शरद ऋतु पूरा तो नहीं हो सकता, संवत्सर यानी पूरा साल भी नहीं हो सकता, तो इन्हीं दोनों में से कोई है, कौन सा, कृष्ण पक्ष उनका क्या माना जाता है, दिन माना जाता है, और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि मानी जाती है। जो यहाँ शुक्ल पक्ष यानी प्रकाश होता है
उस समय रात्रि होती है, इसीलिए पितृपक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष में ही आता है। उस समय उनके यहाँ दिन होता है, वो जगते हुए रहते हैं। तो कृष्ण पक्ष ही पितरों का दिन है, शुक्ल पक्ष है वह पितरों की रात्रि है। मनुना चूड़ा कर्म कालः उक्तः, चूड़ा कर्म किस साल करना चाहिए ऐसा मनु ने कहा है। तो प्रथम वर्ष में, पहले ही साल जन्म के प्रथम वर्ष में ही चूड़ा कर्म कर देना चाहिए। मनुना क्रोध जानी व्यसनानी, सातवें अध्याय का विषय है, मनुस्मृति का ही सातवें अध्याय का विषय है। मनु ने क्रोधज व्यसन कितने कहे गए, कुछ कामज व्यसन है, कुछ क्रोधज व्यसन है, कुछ लोभज व्यसन है, ऐसे मतलब व्यसन के बारे में बताया गया है। तो क्रोधज व्यसन कितने कहे हैं मनु ने, 8 क्रोधज व्यसन कहे हैं, इसका सही उत्तर। इसके बाद स्मृत्यपेतकारिण सभ्या कति गुणेन दम्येन दंड्या, मतलब क्या है कि स्मृति में जो कहे गए हैं, स्मृति में कहे गए हैं ऐसी वस्तु को न करने वाले, सभ्य लोग हैं फिर भी स्मृति के कहे गए चीज को नहीं कर रहे हैं, तो कितना दंड उनको देना चाहिए। सभ्य लोग अगर ऐसी गलती करते हैं, असभ्य करें तो ठीक है, चलो ठीक है, दंड नहीं देते, अगर सभ्य लोग ऐसा कुछ गलती करते हैं तो उनको कितना दंड देना चाहिए, उनको दुगुना दंड देना चाहिए, दुगुणे न गुणे दंड। फिर इसके बाद अब याज्ञवल्क स्मृति का ही यह प्रश्न था, याज्ञवल्क स्मृति का भी यही भी प्रश्न है। मिथ्याभियोगी कतिगुणम धनम राज्ञे दद्यात्, अगर कहीं वह अभियोग में गवाही में झूठ बोल दे रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, कितना गुना धन दंड देना चाहिए, राजा के प्रति 5 गुना दंड, क्षमा करें इसका भी ये है, 5 गुना दंड तो किसी के लिए भी नहीं कहा गया, ये भी ज्यादातर जगह दुगुना ही मिलता है, इसका भी उत्तर है दुगुण ही। मिथ्याभियोगी दुगुणम, ये श्लोक मुझे भी नहीं याद है, पर ये याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रारंभ में ही है, दूसरे अध्याय का यानी व्यवहार अध्याय का 11वां श्लोक ही है, आप देख सकते हैं। इसके बाद दुगुना ही दंड ये भी देना चाहिए मिथ्याभियोगी अगर गलत गवाह देता है तो। फिर इसके बाद प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार, ये व्याजहार ये जो उक्ति कहाँ पर मिलती है, मेघदूत शुरुआत में ही है, मेघदूत का 4th ही श्लोक है। जब वह मेघ को देखता है तो ऐसा लगता है कि अब ये तो मेरा संदेश जाके मेरी प्रिया को सुना देगा, तो उसका स्वागत करता है मेघ का, एकदम प्रसन्न हो जाता है और एकदम प्रीति प्रमुख वचन के द्वारा स्वागत करता है। फिर इसके बाद हाँ, कथा प्रसंगेषु मिथ सखी मृखा तृणेपि तन्वया नल नाम निश्रुते इत्यत्र नल पदस्य कोर्थः, नल पद का अर्थ होता है तृण। नल एक शब्द है, उसका क्या है, उसका अर्थ होता है तृण। कहीं अगर क्या हो गया, साथ में सखी मुखे सखी के साथ बैठी हुई और सखी के मुख से सुनाई पड़ गया तृण, तृण शब्द के अर्थ में उसकी सखी ने नल का शब्द का प्रयोग कर दिया है, तृणेपि तन्व्या नल नाम निश्चित, तृण अर्थ में भी अगर नल शब्द का प्रयोग किया है तो विचलित सी हो जाती थी दमयंती, ऐसा मतलब इतना प्रेम था उनका, ऐसा वर्णन मिलता है पहले ही सर्ग में है नैषधीय चरित के। और ये तो बहुत अच्छा श्लोक है, सती व योषित प्रकृति सुनिश्चला पुमान समभ्येति भवान्तरेष्वपि इत्यत्र भवान्तरेषु पुमांसं किम अभ्येति स्वभावः। ऐसे देखिए ये थोड़ा प्रश्न गलत हो सकता है क्योंकि इसमें दो दो उत्तर है, दोनों सही है, योषित भी सही है और स्वभाव भी सही है, पर यहां पर अर्थ अगर देखेंगे तो प्रकृति ही, प्रकृति मतलब क्या होता है स्वभाव, प्रकृति ही कैसी होती है, सुनिश्चला होती है, वह विचलित नहीं होती, प्रकृति यानी स्वभाव विचलित नहीं होता, वह हरेक पुरुष को उसके अगले जन्म में जन्मांतर भवांतर में भी मिल जाता है,
स्वभाव जो उसका है वह विचलित नहीं होता, जैसा पिछले जन्म में था वैसा इस जन्म में भी रहता है, जन्म जन्मांतर में भी मिल जाया करता है। कैसे मिल जाया करता है? जैसे सती स्त्री मिल जाती है, सती स्त्री है अगर तो वह जन्मांतर में भी अपने पति को प्राप्त करती है, वैसे स्वभाव भी जन्मांतर में भी प्राप्त हो जाता है। इसमें उपमा है, अच्छी उपमा है। तो योषित स्त्री सती भी प्राप्त होती है और स्वभाव भी प्राप्त होती है, पर स्वभाव प्राप्त होता है किस तरह प्राप्त होता है उस तरह कहा गया, मतलब मुख्यतः स्वभाव को कहा गया है, उपमा दिया है योषित का, इसलिए स्वभाव ज्यादा सही है। इसके बाद 58 नंबर प्रश्न है, एकदा प्रत्युषसि हर्षः स्वप्ने अग्निना दह्यमानं कम अपश्यत्। एकदा एक दिन प्रत्युषसि मतलब प्रत्युष काल में सुबह के प्रातः काल में हर्ष ने सपने में प्रातःकालीन स्वप्न देखा और क्या जलते हुए देखा, उस स्वप्न में अग्नि किसको जला रहा है, अग्निना दह्यमानं कम अपश्यत्, अग्नि के द्वारा जलाए जा रहे किसको देखा। इसका सही उत्तर है केसरिणम, अग्नि एक केसरी को जला रहा था, यानी क्या होता है सिंह को, एक सिंह जल रहा था अग्नि से, ऐसा उसने देखा सुबह के समय स्वप्न में। इसके बाद 59 नंबर प्रश्न है, शोकस्थायी तया भिन्नो विप्रलंभादयं रसः। शोकस्थायी तया ये विप्रलंभ से यह रस भिन्न है, विप्रलंभ श्रृंगार रस से अयम रसः विप्रलंभात भिन्नः, यह रस किससे, विप्रलंभ से भिन्न है, क्योंकि विप्रलंभ श्रृंगार में भी रति स्थायी भाव होती है, रति रहती है, और इसमें स्थायी भाव क्या है, शोक, शोक स्थायी भाव है, इसलिए यह विप्रलंभ से भिन्न है, ऐसा कौन सा रस है। तो इसका सही उत्तर है करुण रस, करुण रस शोकस्थायीतया, शोकस्थायी भाव है इसमें, इसलिए यह विप्रलंभ श्रृंगार से भिन्न है, क्योंकि विप्रलंभ श्रृंगार में तो रति स्थायीतया है। फिर इसके बाद रंगमंचस्य देव पूजनम केन तुल्यं भवति, रंगमंच बन गया उसके देव की पूजा करना किसके तुल्य होता है, यज्ञ कर्म के तुल्य होता है, ऐसा नाट्य शास्त्र में पहले अध्याय में वर्णित है, पर अब पहला भाव, पहला अध्याय जो है अब पाठ्यक्रम में नहीं रहेगा, दूसरा और छठा अध्याय ही है, दूसरे अध्याय में उसके रंगमंच का नाप इत्यादि बताया गया, छठे अध्याय में रस विषय वर्णन मिलते हैं। माधुर्यौज प्रसादख्य त्रयस्ते न पुनर्दश, काव्य प्रकाश में 8वीं उल्लास में यह विषय मिलता है, माधुर्य ओज और प्रसाद रूपी तीन ही है वो 10 नहीं है, क्यों 10 नहीं है, क्योंकि केचिदंतर भवन्ति एषु दो सत्यागात परेश्रिता अन्य भजन्ति ते दोषत्वं कुत्रचिन्न ततो दश। वामन ने 10 प्रकार के काव्य गुण बताए हैं, वो काव्य गुण 10 नहीं है अपितु 3 ही है, माधुर्य ओज और प्रसाद, ऐसा मम्मट ने कहा काव्य गुण। फिर आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुमनागसि, यह अभिज्ञान शाकुंतल में किसका वचन है, आप देखेंगे वो मृग के पीछे, मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामी वपिनाकिने, मृग के पीछे दौड़ते रहते हैं जब कौन, दुष्यंत, और मृग पर एकदम से तान ले, मृग पास में आ चुका है जब रथ तेज चला और एकदम से तान के खींच लिया है जब धनुष, तभी अचानक बीच में कौन आ जाते हैं, वैखानस जी, और वो रोकते हैं कि बस नखलु नखलु बाण सन्निपात्यो यमस्मिन्, इस पे बाण नहीं प्रहार करना। तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहरसायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुमनागसि, तो तुमने जो ये संधान करके रखा है इस बाण को, प्रतिसंहर रख लो, वापस रख लो, क्यों, क्योंकि तुम्हारे शस्त्र जो हैं वो कैसे हैं, आर्तत्राणाय, आर्त के रक्षा के लिए है, अनागसि प्रहर्तुम न, अनागसि मतलब अनपराध, जिसका कोई अपराध नहीं है, ऐसे इस मृग सामान्य पर प्रहार करने के लिए आपके शस्त्र नहीं है, ऐसा वैखानस कहते हैं, यह उक्ति किसकी है, वैखानस से। 63 नंबर प्रश्न है, गुरूपदिष्टेन रिपौ सुते पिवा निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम अत्र राजनीतौ कोयम अंशः परामर्शित। गुरूपदिष्टेन, गुरु के द्वारा उपदिष्ट होने पर, रिपौ सुते पिवा, रिपु में, शत्रु में और पुत्र में
दोनों में दंडेन सह धर्म विप्लवम निहंती। यहाँ कौन सी नीति कही गई है? वास्तविकता में देखे तो दंडेन दिख ही रहा है, दंड नीति है। दंड नीति राजा की कैसी होनी चाहिए? गुरु उपदिष्टेन होनी चाहिए, गुरु के उपदेश पर होना चाहिए, और शत्रु और रिपु दोनों में एक जैसी ही होनी चाहिए। चाहे वो आपका शत्रु हो उसको भी उसी तरह का दंड मिल रहा हो, पुत्र हो उसमें भी एक जैसा ही दंड, सबके प्रति दंड नीति एक जैसी ही होनी चाहिए। इसके बाद इक्ष्वाकूणाम रघु दुरापेर्थे तदधीना ही सिद्धयः इति कहा कंप्रतिया। इक्ष्वाकूणाम, इक्ष्वाकु वंश के जो लोग हैं उनके दुरापे अर्थ है, दुराप अर्थ मतलब जो उनको प्राप्त नहीं हो सकता है ऐसा कोई अर्थ है, तो सिद्धियां किसके अधीन है? आपके अधीन है, तद अधीना, आपके अधीन है सारी सिद्धियां। वो अर्थ जो दुराप है वह सिद्ध हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, किसके आधीन पर, किसके अधीन है वह? आपके अधीन है। ऐसा किसने बोला? दिलीप को पुत्र नहीं हो रहा था तो दिलीप को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, दिलीप के लिए दुराप क्या था? दिलीप इच्छाकु वंश के हैं, उनका दुराप था पुत्र, और किसके अधीन था? वशिष्ठ के प्रति अधीन था। दिलीप किसके प्रति बोल रहे हैं? यह वशिष्ठ के प्रति। आपके अधीन सारी सिद्धियां हैं, आप ही कोई उपाय बताइए। तो फिर बताए थे वशिष्ठ जी, प्रतिबध्नाति ही श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रम, तुमने कामधेनु गाय की स्तुति नहीं की थी इसलिए तुम्हारे श्रेय का प्रतिबंधन हो गया। 65 नंबर प्रश्न है, यस्याम लक्षणायाम मुख्यार्थस्यापि ग्रहणम भवति सा भवति। जिस लक्षणा में मुख्यार्थ का भी ग्रहण होता है वह लक्षणा कैसी होती है? मतलब मुख्यार्थ भी रहता है और फिर एक अर्थ जो मुख्यार्थ पूरा नहीं रहता, मुख्यार्थ के सिवाय भी कोई अर्थ आ जाता है, मुख्यार्थ भी रहता है, ऐसी लक्षणा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आपको देखना है। यह विषय जो है काव्य प्रकाश का है, काव्य प्रकाश में आपको दूसरे उल्लास में मिलेगा। इसका सही उत्तर है उपादान लक्षण, यानी जो अजहत लक्षणा वेदांतों में या नहीं न्याय में कही गई है वही अजहत लक्षणा यह उपादान लक्षणा के रूप में कुछ ले लिया जाता है, और जो जहत लक्षणा कही गई गंगा जाम घोषा इत्यादि वो सब लक्षण लक्षणा के रूप में बताई गई। तो वो नहीं उपादान लक्षणा इसका सही उत्तर है। समवकारे पात्राणि के भवन्ति, समवकार नाम का एक रूपक है, उसमें पात्र कौन कौन से होते हैं? इसका सही उत्तर है देवा, देव ही पात्र होते हैं समवकार में। और इसके बाद ये 10 रूपक में पढ़ना पड़ेगा आपको, तीसरे जो तीसरा प्रकाश है उसमें। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरित से है, पहले ही अच्छा ये प्रश्न ही उत्तर ही में पहले बोल दिया, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि कौन विज्ञातमर्हति। यह किसमें कहा गया है? यह उत्तर रामचरित में कहा गया, लोगों के चित्त कैसे होते हैं? वज्र से भी ज्यादा कठोर होते हैं किसी किसी के चित्त, और किसी किसी के चित्त कैसे होते हैं? फूल से भी कोमल होते हैं। कौन उसको जान सकता है? फूल से कोमल भी होते हैं और वज्र से कठोर भी होते हैं, ऐसे चित्त को कौन जान सकता है? ऐसा बताया गया। वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः संक्षिप्तार्थस्तु। ये जो प्रश्न है 10 रूपक का है, पहले उल्लास में ही पहले प्रकाश में आपको मिलेगा, और इसका उत्तर है विष्कंभा। पूरा श्लोक अगर आपको याद है तो आप सही कर पाएंगे, लेकिन यहाँ मूलतः श्लोक में विष्कंभ शब्द कहा गया है या विष्कंभक कह दिया है, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ऐसा है श्लोक, वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः संक्षिप्तार्थस्तु विष्कंभः आदावंकस्य दर्शितः। विष्कंभो, विस्कंभ आदावंक से दर्शिता, ऐसा विसर्ग का लोभ भी हो गया है, पर विस्कंभ संधि विच्छेद करेंगे तो पढ़ सकते। विस्कंभ, विस्कंभक वही है। गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देशमुद्यतो गंतुम अलिकुल कोकिल कललिते नैषति सखी सुरभि समये सौ। यहां पर वक्रोक्ति अलंकार है, पर कौन सी वक्रोक्ति है? इसमें कौन सा अलंकार है ऐसा प्रश्न हो गया।
वक्रोक्ति है, क्योंकि मैंने अभी आज ही इसे पढ़ा है वक्रोक्ति अलंकार को, और इसमें काकु वक्रोक्ति है। श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण नारी नाम अनुकूल चरसी चेत, ऐसा नारी नाम से शुरू होता है, वह श्लेष वक्रोक्ति का, श्लेष के द्वारा वक्रोक्ति होती है, और काकु के द्वारा वक्रोक्ति होती, जीव के द्वारा बोलने से, वो काकु वक्रोक्ति है। और एक है श्लेष काकु, और एक तीन तरह की वक्रोक्ति कही गई है। फिर इसके बाद 70 नंबर प्रश्न है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षः कतिविधः। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष कितना प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। वो कौन कौन सा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध होता है, वो कौन कौन से हैं, वो देखना है आपको। 6 प्रकार, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवेत समवाय और विशेषण विशेष भाव, ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष हैं। गुण गुणिनोह कह संबंध, गुण और गुणी के कितने संबंध हैं, कौन कौन सा? गुण गुणी का संबंध होता है समवाय संबंध, नित्य संबंध समवाय, वो किसका? आयुत सिद्ध का समवाय संबंध होता है, पर आयुत सिद्ध कौन कौन से हैं? गुण गुणी, जाति व्यक्ति, क्रिया क्रियावान इत्यादि बताया गया है वहां। तर्क संग्रह का विषय है, तर्क भाषा में भी मिलता है। रजते इदम रजतम इति ज्ञानम प्रमा, अगर सामने रजत रखा है और आपको ज्ञान क्या हो रहा है रजत का ही, तो यह वह ज्ञान क्या कहलाता है? वह ज्ञान आपकी प्रमा कहलाती है, प्रमा होता है वह। तंतूनाम पटम प्रति किम कारणम भवति, तंतु अगर हैं पट के लिए कौन से कारण होते हैं? तो तंतु, अगर रजत में रजत का ज्ञान हो तो प्रमा, रजत में सुक्ति में रजत का ज्ञान हो, यथार्थ ज्ञान होता है, वो अप्रमा होती है या भ्रम कहा जाता है उसको। तंतु के पट के प्रति कारण क्या होता है? तंतु अगर पट के कपड़े के प्रति तंतु कौन से कारण हैं? तो इसका सही उत्तर है समवायी कारण है। तंतु का संयोग होता, अगर संयोग को कारण के रूप में मानते हैं तो वह असमवायी कारण है, और तुरी वेम इत्यादि होते वो तो निमित्त कारण है। मिथ्या कारण रूपी वे कोई विषय तर्क संग्रह तर्क भाषा में वर्णित नहीं है। अनुमानम नाम, व्याप्ति को अनुमान नहीं कहा गया है, पक्ष को भी अनुमान नहीं कहा गया, हेतु को भी अनुमान नहीं कहा गया। लिंग परामर्शो अनुमानम, ऐसा अंतिम अनुमान खंड का आप वाक्य पढ़ेंगे, अंतिम वाक्य स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्यो हो लिंग परामर्श एव करणम तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम, ऐसा मेरे लक्षितस्यैतत् लक्षणम् उपपद्यते नवेति विचारः परीक्षा, जो हमारा लक्षित है, जो हमारा लक्ष्य है, वह उसका जो मैंने लक्षण बनाया, वह लक्षण उपपन्न हो रहा है, सिद्ध हो रहा है कि नहीं, ऐसा विचार करना क्या कहलाता है? ऐसा विचार करना परीक्षा कहलाती है। तो आज के इस प्रश्न पत्र में इतना ही। हाँ, लक्षण किसे कहते हैं? असाधारण धर्म को कहते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। विमर्श के बारे में तर्क संग्रह तर्क भाषा में नहीं बताया गया। अब देखिए, आज के प्रश्न पत्र में ये 75 प्रश्न थे, इतना ही। अगले प्रश्न पत्र को लेके हम शीघ्र ही आप सबके पास उपस्थित होंगे। इन प्रश्न पत्रों में तीसरा जो प्रश्न पत्र होता है, ये थोड़ा गंभीर विषयों वाला होता है, इसीलिए मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ। और आप सबको अगर कुछ पाठ्यक्रम या पाठ्य सामग्री की आवश्यकता हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको, उसमें मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जुड़ने से आपको पाठ्य सामग्री समय समय पर मिलती रहेगी। अस्तु, नमस्कार। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।